अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कढ़ी बनाने का तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान, बहुत सिंपल, बहुत ही टेस्टी। लेकिन आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मिर्ची, धनिया, हल्दी, बेसन को हम ग्राइंड कर लेंगे। स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद हम इसको छन्नी में छान लेंगे। हमने भगोने में जो छाछ ले रखी थी पहले से, उसमें इसको छानना है। इस पॉइंट पे आप ये ध्यान रखिएगा, सॉल्ट ऐड नहीं करना है अभी, वरना हमारी कढ़ी ख़राब हो जाएगी। देखिए, इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब इसको हम फुल फ्लेम पर खड़े होकर 2-3 बॉयल हमको लगाने हैं यहीं पर। अब एक बॉल लेंगे, इसको भगोने में रख देंगे ताकि बॉयल जो है बाहर नहीं आए। आप आराम से इसको छोड़ सकते हैं लो फ्लेम पर, लेकिन ये सब करना है बॉयल आने के बाद। कढ़ी का कलर आने तक हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें पकौड़ी ऐड कर देंगे। 10-15 मिनट्स के लिए आप इसको इसी तरह से पकाइए। अब इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। इतनी देर में हम स्लाइस अनियन मैंने कट की हुई थी इसको डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, करी लीफ ज़रूर डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है कढ़ी। करी लीफ इसमें ज़्यादा डालिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मुझे थोड़ा कम लग रही थी तो मैं तोड़ने के लिए आ गई थी। देखिए मेरा करी प्लांट कितना प्यारा है। अब हम यहाँ पर तड़का रेडी करेंगे। ज़ीरा डालेंगे यहाँ पर, जो स्लाइस अनियन मैंने कट की हुई थी वो ऐड करेंगे, करी लीफ डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली डालेंगे। अब मैं इसको भगोने में डाल लूँगी, थोड़ा सा राई दाना डालना है। आप इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से रेडी कर सकते हैं। आप भी इंजॉय करिए, अपने घर वाले को भी इंजॉय कराइए। अब मैं यहाँ पे शकराना रेडी करूँगी। आप कोई भी प्लेन राइस ले लीजिए, ज़ीरा राइस हो, बॉइल्ड राइस हो, फ्राइड राइस हो, सब चलेगा। मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है, घी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद मैं गार्निशिंग के लिए चेरी लूँगी थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर गोला कस लिया था पहले ही, उसको डाला था। गोला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।